दोस्तों, प्रेस कीजिए इस रेड बटन को और क्लिक कीजिए इस बेल को फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब क्लच का काम होगा भाई। तेल तो खत्म से ही हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, कम भी है तेल। ये देखो, ये होता है क्लच कटोरा, इसको रिपेयर करवाना पड़ता है। ये है क्लच कटोरा, इसको चेंज कराएंगे तो 1680 रुपये का आता है। कितने का आता है? नया 1680 रुपये का आता है, बाकी रिपेयरेबल होके काम हो जाता है इसका। अच्छा, तो इसे रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ती? जब क्लच फेल खराब होती है तभी खराब होता है, इसमें ऐसे प्ले नहीं आती है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं ये इंजन के राइट साइड का पार्ट, यानी इंजन खुला हुआ है और इसके अंदर अभी क्लच की डलेगी। और जैसा भी भाई ने बताया, इसका जो सामान था जिसके अंदर लाइक ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये 1600-1700 का आता है, तो इसे रिपेयर करके काम चल जाता है, तो इसे रिपेयर करा लिया जाएगा। एंड देखते हैं अभी इसमें क्लच प्लेट डलनी है, क्लच हब पता नहीं क्या क्या होता है वो तो डलेगा, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। ये वॉल होते हैं, ये हेड होता है, इसके अंदर जो पुराने वाल होते हैं इसकी वजह से सीट प्रॉपर कट जाती है, तो ये खराब वाला इस चीज़ को सीट बनाता है, वॉल को ग्राइंडिंग करता है, इसके अंदर की जो गाइडें होती है वो गाइड खराब चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर काम करते हैं ताकि उससे फिर एवरेज में, प्रेशर में, पिकअप में हर चीज़ फ़र्क पड़ता है। हालांकि जितने भी पार्ट होते हैं हर चीज़ का एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और अगर इसको बदला जाए तो कितने का होगा? ये वैसे चेंज नहीं करना पड़ता है, अगर इसको चेंज करा जाए तो तकरीबन ये 2500 के आसपास होगा। चेंज ये चेंज नहीं कर, इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो कट जाते हैं, सिर्फ वही चेंज करते हैं। अच्छा, हाँ। अब जैसे कि ये वाला फिर दूसरा है, ये तो हेड है, ये सिलेंडर है, ये चेंज होता है। अच्छा, ठीक है। बाकी इसके अंदर के जो पार्ट, हेड के अंदर के जो पार्ट होते हैं, क्लच शाफ्ट, रोकर, रोकर पिन, एडजस्टर, वो सारी चीज़ें अगर कट जाती हैं तो वो चेंज होती है, बट ये पूरा पार्ट कभी नहीं चेंज होता है। अच्छा, मतलब वो रिपेयर ही होता है? रिपेयर ही होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे एक्सीडेंटल में कई बार बहुत कम रियर चांस है जो ये टूट जाए, ये तो अदरवाइज टूटता भी नहीं है, ये क्योंकि इतना अंदर होता है वहाँ तक कुछ लग ही नहीं पाता है, ये पार्ट चेंज होता है। तो अब इमरान किचन का काम कर रहा है एंड ये सारा सामान है, तो इमरान इस बारे में बताएगा। बताओ भाई इमरान, क्या क्या सामान है, कैसे कैसे क्या लगता है? ये किचन होता है, अब सबसे पहले इसमें लॉक लगेगा, फिर इसकी रिंगी होती है, रिंगी सेटिंग करनी पड़ती है, फिर इसको रिंग के ऊपर लगाते हैं और फिर सिलेंडर लॉक होता है, फिर लगाते हैं, इसमें एक एक काम होगा। अच्छा, इस काम के बाद तो बाइक बिल्कुल नया जैसा हो जाता होगा? बिल्कुल, मतलब वही परफॉर्मेंस मिल जाती है तो नई बाइक में मिलती है, फ़र्क होता है थोड़ा? नहीं, जो न्यू बाइक होती है वही सेम परफॉर्मेंस आती है। बिल्कुल वही परफॉर्मेंस आती है अगर जेन्युइन पार्ट्स लगाते हो। हाँ। वैसे ये लोकल भी आते होंगे सारे? ये सिर्फ लोकल नहीं आता, बाकी और सारे पार्ट लोकल आए, ये पार्ट लोकल नहीं आते हैं। अच्छा, वही है कि लोकल में तो वही है, फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी? और ये पूरी सिलेंडर किट है, ये मैंने कितने का लिया है सारा सामान, जितना भी मैंने इसमें काम कराया है, चाहे मैं क्लच प्लेट की बात करूँ, चाहे मैं पिस्टन की बात करूँ, चाहे मैं क्या था आगे वो क्या
टाइमिंग चेंज की बात करें, वॉल की बात करें, तो सारे के मैं पैसे आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा मैंने कहां से सामान लिया है। कुछ सामान मैंने कहीं अपने एक भाई है मेरा प्रतीक, उसने दिलाया है मुझे कुछ, और थोड़ा बहुत सामान जो नहीं था इमरान के पास था तो इमरान ने एडजस्ट किया है सामान, तो आपको सारा रेट बताऊँगा। अभी तो फिलहाल ये पिस्टन का काम कर रहा है और पिस्टन के बाद लगभग ऑलमोस्ट काम हो जाएगा है भाई, और मुझे लगभग यहाँ दो घंटे हो चुके हैं शायद, दो घंटे हो चुके हैं, 9:30, 10:30, 11:30, एक घंटा और लगभग 1 बजे के आसपास फ्री हो जाएंगे। अगर पूरा इंजन खुलता है तो भाई कितना खर्चा आता है? मिनिमम 8,000 रुपये अगर पूरे इंजन का खर्चा होता है, मिनिमम 8,000 है, बाकी पार्ट्स ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या पार्ट्स खराब गए, और ज़्यादा भी आ जाता है 10-12 हज़ार भी हो जाता है। तो ओवरऑल जितना काम था बाइक के अंदर वो सारा हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बाइक वॉशिंग के लिए लगा दी है। तो इमरान ओवरऑल कितना खर्चा हुआ है भाई आपकी बाइक में? सर टोटली लमसम 6,000 के आसपास खर्चा हो गया अभी तक, ठीक है। इसमें आपका पिस्टन फिट हो गए, वॉल हो गया, वॉल सील, वॉल की गाइड, टाइमिंग चेन, रॉकर, रॉकर पिन, टैप एडजस्टर, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच शाफ्ट, क्लच कवर गियर और बाकी सर्विसिंग का सारा काम हो गया है, और क्लच की केबल, एक्सेलरेटर केबल, ऑल ओवरऑल पूरी बाइक रिपोर्ट हो गई है। बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो भी पार्ट डले हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, सिर्फ सर्विस टाइम पे होती रहे और सारे के सारे जेन्युइन है। जी हाँ, सारे पार्ट ऑल ओवर पार्ट, मतलब कहते हैं लोग 100% मैं बोलता हूँ, 1000% जेन्युइन पार्ट, 1000% पार्ट है। और थैंक यू इमरान काम करने के लिए भाई। जैसा कि इमरान ने बताया आपको, जो ओवरऑल मेरा खर्चा है वो 6,000 के आसपास हो चुका है, इंजन का पूरा कंप्लीट काम हो चुका है, हालांकि इंजन हाफ ही बोला था जिसे पिस्टन कहते हैं उसका काम हो चुका है, और अभी मुझे इसके टायर भी चेंज कराने हैं। सो देखते हैं टायर कहाँ से चेंज कराते हैं, अभी तो सारे पैसे खत्म हो गए। एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यार आपको लेफ्ट साइड में वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा यार, उसे सफ़ेद कर दो, और उसके जो बगल में बेल है उसे भी प्रेस कर दो, उससे क्या होगा जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास एक अपडेट आ जाएगा।